मीन्स आज हम नेचर ट्रीट आए हैं। ये सोलन और कुमारटी के रास्ते के बीच में पड़ता है और इनका ऑनर जो है वो है सोलन के हैं और यहाँ का देखभाल ये भैया करते हैं सब कुछ। अगर किसी ने कांटेक्ट करना हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ के लिए कैंपिंग होता है, ट्रैकिंग होता है और क्या क्या होता है भैया बोलोगे? एक्टिविटीज सारे होते हैं यहाँ पे ग्रुप्स में। और क्या क्या होता है? बस ग्रुप पार्टी होती है, स्कूल के ग्रुप आते हैं। अभी तो ये लॉकडाउन के कारण बंद है, कब ओपन होगा भैया? शायद मई में है चांस, जो लॉकडाउन लग गया तो फिर। हाँ अभी नेचर ट्रीट भी लॉकडाउन मना रहा है इसका अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है। जयराम जी ने अभी मना किया हुआ है। ये डी नेगी फोटोग्राफी करते हुए, ये उनके साथ में उनकी मिसिस है। आज हम शॉर्ट ट्रिप के लिए यहाँ पे नेचर ट्रीट घूमने आए हैं। वैसे कोई नहीं आ सकता मई तक, पर भैया ने हमें अलाउ किया है यहाँ पे आने के लिए क्योंकि हम किन्नौर के हैं इसलिए। ये आप देख सकते हो यहाँ का खूबसूरत नज़ारा और ये ब्यूटीफुल लेडी जो रेड सूट में। ये इनका हॉल है जहाँ पे रात को पार्टी होती है और ये पाइन की ट्रीज आप देख सकते हो बड़े बड़े, काफ़ी अच्छा व्यू है, बहुत ब्यूटीफुल है। वो एक्टिविटीज़ है और वो रूम्स हैं। भैया रूम के रेंट्स क्या होंगे? 1500 से स्टार्ट है। आप यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे रूम्स हैं, 1500 से स्टार्ट है रूम्स। टेंट भी लगते हैं, आप अपना टेंट भी ला सकते हैं ना खुद का, आप कहते हो। ये टेंट भी प्रोवाइड करते हैं, अगर आप टेंट में रहना चाहते हो तो ये टेंट भी प्रोवाइड करते हैं। टेंट का कितना पड़ेगा? सुन लिया होगा भैया ने क्या कहा, अगर खुद लगाएंगे तो 1200, अगर ये खुद टेंट लगा के देते तो 1500 पर टेंट, है ना, 1500 पर टेंट पड़ेगा आप लोगों को। ये वन डे ट्रिप या टू डे ट्रिप के लिए बहुत अच्छा है, जो सिटी से बोर हो चुके हैं वो यहाँ पे आके पीसफुल लाइफ जी सकता है दो दिन के लिए। जिन जो जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है माइंड को स्ट्रेस आउट करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे चेयर्स लगते हैं, अभी चेयर्स है नहीं कोरोना की वजह से। वो वॉशरूम्स हैं, वो किचन है, यहाँ पे नाइट पार्टी होती है, अंदर डीजे लगता है। और ये मामी है जो फ़ोटो के लिए खड़े हैं, कोई फ़ोटो खींच नहीं रहा है उनका। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।